So today is 10th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. 10th of April 2020. आज के पेपर में ये सारे essential vocabulary words हैं. पहला है significant. Significant का मतलब होता है notable, noteworthy, important होना. Vendors का meaning होता है seller और dealers. Then sanctioned. Sanctioned का meaning होता है authorize करना. पनिश करना भी होता है इसका सैंक्शन, मतलब यूएसए ने सैंक्शंस लगा दी है ईरान पे एंड सैंक्शनड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस एक्सपेंडिचर. तो सैंक्शनड का मतलब ऑथराइज एंड पनिश दोनों. देन दिस इज गैस्पिंग. गैस्पिंग मतलब कैच वंस ब्रेथ. देन पेंडेमिक. पेंडेमिक का मतलब ये वाइड स्प्रेड हो गया है, लाइक डिसीज कोविड-19 इज अ पेंडेमिक. देन प्रोफाइल एक्सेस, ये होती है जैसे जो ड्रग है अभी मलेरिया वाली, दैट इज प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन यूज़ हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोफाइल एक्सेस. देन सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद ही का उपचार करना. देन दिस इज एनेक्टोडल मतलब इनफॉर्मल और अनरिलायबल. एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस. डबल वैमी मीन्स टू फोल्ड सेटबैक. इकोनॉमी वैसे ही नहीं अच्छा कर रही है और ये कोविड-19 एक और आ गया, सो दिस इज डबल वैमी. देन एक्सपैट्रिएट्स मीन्स पर्सन लिविंग अब्रॉड. किसी आप इस कंट्री में बाहर रह रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड एक्सपैट्रिएट्स. स्केपगोट का मतलब होता है ब्लेम करना फॉर रॉन्ग डूइंग. कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको स्केपगोट बना के आपने पनिश कर दिया है. स्टिमुलस का मीनिंग होता है स्पर, बूस्ट करना, ग्रो करना. क्रेडिबल का मीनिंग होता है एक्सेप्टेबल एंड रिलायबल. सो ये कुछ एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स हैं जो आगे अभी हम इस पेपर में देखेंगे. इसके अलावा इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड, उसका आप वर्ड लिखिए और उसका मीनिंग भी लिखिए, वहाँ पे पोस्ट इन दिस कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. पहला है नो सिग्निफिकेंट रेट ऑफ इंक्रीज इन कोविड-19 पॉजिटिव केसेस. ये बात कही है ICMR ने, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च. सेकंड जो आर्टिकल है वो है ओडिशा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू एक्सटेंड लॉकडाउन टिल अप्रैल 30. अभी मैं पंजाब भी देख रहा था जस्ट अ कपल ऑफ मिनट बैक, उसने भी काफ़ी एक्सटेंड कर दिया है 1st of May आई थिंक. देन 15,000 crore सेंक्शन टू स्टेट्स. वाई? बिकॉज to prepare for this COVID-19. Then every inch matter, जैसे बोलते हैं every drop matter, वैसे every inch matters. Then this is Operation Shield, ये दिल्ली में है. Then ये डब्बा वाला काफ़ी famous है और काफ़ी पुराने time से ये काफ़ी अच्छी service दे रहे हैं. Food के items deliver करते हैं, food के boxes, lunch boxes. Then arrival at Azadpur Mandi, ये भी बहुत famous है. Drop over 50% due to lockdown. Then 8th is charting a common minimum relief program in times of pandemic. ये बहुत ही अच्छे points यहाँ पे लिखे हैं, it's a very good article. Then next is Kerala gets nod for trial of plasma therapy. ये plasma therapy एक process होती है, हम इसको अभी अच्छे से detail में पढ़ेंगे. Then in time of need, this is about hydroxychloroquine, जिसको इंडिया ने अभी जो जिनको ज़रूरत है ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे हमने उन्हें सप्लाई करने का डिसीजन लिया है. देन दिस इज विक्टरी इन डिफीट, बर्नी सैंडर्स, अभी प्राइमरीज चल रहे थे. देन अ टाइम फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन. देन 13th इज अ डबल वैमी फॉर इंडिया गल्फ इकोनॉमिक टाइज. अगेन दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल. यहाँ के बाद नेक्स्ट है विल कोविड-19 अफेक्ट द कोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है पूरा वर्ड एक बड़ा एक्सपैंड होता जा रहा है, वन फैमिली. और डी ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है वो श्रिंक हो रहा है. तो ग्लोबलाइजेशन पे अभी प्रश्न उठ रहे हैं. देन फाइंडिंग अ स्केप गोट इन WHO, नेवी चीफ ने कहा है फोर्सेज एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बिकॉज दे आर द केयर गिवर नॉट द केयर टेकर. स्टडी पॉइंट्स टू कम्युनिटी ट्रांसमिशन. दिस इज बेल एंड एम्स रिमोट मॉनिटर बनाया है इन्होंने, ये गामोसा होता है, हम इसके बारे में जानेंगे. देन वर्ल्ड एंटीसिपेट्स ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद वाला. देन दिस इज ऑयल प्रोड्यूसर्स पुट हेड टूगेदर ओवर आउटपुट कट. हम ओपेक के बारे में देखेंगे, ओपेक प्लस देखेंगे और क्यों फॉल हो रही है ऑयल की प्राइसेस और क्या इसका आउटकम हो सकता है. देन इन्फ्लेशन में ड्रॉप टू 2.4%. हम CPI, WPI इसके बारे में थोड़ा जानेंगे. सो दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू रीड टूडे इन नेक्स्ट 25 to 30 minutes. सो लेट अस स्टार्ट. पहला टॉपिक है नो सिग्निफिकेंट रेट ऑफ इंक्रीज इन कोविड-19 पॉजिटिव केसेस. ये थोड़ा रिलीफ मिल रहा है हमें यहाँ पे.
स्टेडी रेट ऑफ कोविड 19 पॉजिटिव केसेस 3 to 4% है ओवर द पास्ट मंथ एंड अ हाफ। प्लाज्मा थेरेपी की यहाँ पे बात किया है, ये फाइनल स्टेजेस ऑफ ड्रॉइंग अप अ प्रोटोकॉल बनाएंगे, इसका हम ट्रायल करेंगे। कोई भी एक नया मेडिसिन आता है, कोई भी नया प्रोसेस आता है, तो उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल मतलब उसको टेस्ट करते हैं सैम्पल ऑडियंस में कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, देन जाके हम उसको फिर मास पब्लिक को फिर रिकमेंड करते हैं। सो अभी इसका फाइनल स्टेजेस ऑफ दिस प्रोटोकॉल फॉर्म होंगे दिस कोवलासिन प्लाज्मा थेरेपी का, और अप्रूवल इसका पेंडिंग। स्टडी पॉइंट्स ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, अहमदाबाद ने अडॉप्ट किया है साउथ कोरिया का मॉडल। साउथ कोरिया का मॉडल क्या था, टेस्ट आइसोलेट एंड ट्रीट, सबको टेस्ट करो, जो इन्फेक्टेड है उनको आइसोलेट करो और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। तो ये अहमदाबाद में भी काफ़ी एक्टिवली इस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। देन स्टडी पॉइंट्स टू कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये बहुत डरने वाली बात है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के भी कुछ केसेस अब दिखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वन, यहाँ लिखा है ओडिशा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू एक्सटेंड लॉकडाउन टिल अप्रैल 30। सेविंग लाइव्स इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, आज की डेट में एक ही प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम जान बचाएं। हेल्प फॉर दोज स्ट्रैंडेड, जो अटक गए हैं, एस्पेशली हमने देखा था माइग्रेंट वर्कर्स, दे गॉट स्टक। फाइनल डिसीजन ऑन अप्रैल 11 में, अब ये जो लॉकडाउन है ये 14th तक था, तो इसका 11th तक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ICMR के कुछ साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया है एफिकेसी ऑफ द लॉकडाउन, कि ये लॉकडाउन इफेक्टिव रहा भी है या नहीं रहा है। लॉन्ग लास्टिंग एडवर्स हेल्थ आउटकम आ रहे हैं, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जो क्योर होता है वो खुद एक प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए, सॉल्यूशन ही एक प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। तो लॉकडाउन इज अ सॉल्यूशन, बट इस लॉकडाउन से दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही है हमें, सो लॉकडाउन इटसेल्फ शुड नॉट बिकम अ प्रॉब्लम। सो दे फेवर्ड सिविल सोसाइटी लेड सेल्फ क्वारंटाइन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन से अगर हम ये फॉलो करें विल पावर से, देन हम इस लॉकडाउन को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर ये अवॉइड करेंगे तो हमारी इकोनॉमी रिवाइवल भी ईजी होगा। लॉकडाउन से इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हमारी डिफीट हो रही है। सो दिस इज सेकेंड वन, यहाँ पे सी दिस इज द थर्ड वन, यहाँ लिखा है 15,000 करोड़ का सेंक्शन हुआ है स्टेट्स को। इंडिया कल हमने बहुत अच्छे से पॉलिटी का एक आर्टिकल देखा था कि सेंटर होते हैं स्टेट्स होते हैं, और फिस्कल फेडरलिज्म की बात किया था हमने, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 एंड ऑल। तो जो कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज है, इसमें जो स्टेट्स हैं उनको इतना पैसा अभी सेंक्शन कर रहे हैं, सेंक्शन मतलब अलोकेट कर रहे हैं, इतना अलोकेट कर रहे हैं कि आप इसको यूटिलाइज कर लेना। 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम विल बी यूटिलाइज्ड, इसके इमीडिएट रिलीफ भी होगा और एक मीडियम टर्म भी होगा। डायग्नोस्टिक एंड डेडिकेटेड ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे ये पैसा यूटिलाइज होगा। डायग्नोस्टिक मतलब होता है जाँच पता कराना, और देन डेडिकेटेड ट्रीटमेंट, उस जांच जिसकी हो गई है उसको फिर इलाज देना। तो ये पूरा जो फंड होगा ये कोविड 19 को कॉम्बैट करने में हमें यूटिलाइज होगा। यहाँ लिखा है एवरी इंच मैटर, जैसे एवरी हेल्प मैटर, तो ऐसे ही ब्रह मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये नेशनल स्पोर्ट्स क्लब को ऐसे करके एक क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, यहाँ पे सारे पेशेंट्स को ऐसे रखा जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.3 बिलियन, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है, ये फ्रेजाइल माना जाता है। सो दैट इज़ वाई हम जहाँ से जो भी हेल्प मिल रही है उसको हम यूटिलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था जो ट्रेन्स होती हैं इसके जो बोगी है, कोचेज है, उसको भी हमने मूविंग हॉस्पिटल एंड फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया था। नाउ यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड का मतलब है सीलिंग, एस स्टैंड्स फॉर सील, सील कर दिया है, एच मतलब होम में ही क्वारंटाइन किया है, आई का मीनिंग आइसोलेशन किया है, ई मीन्स एसेंशियल सप्लाईज कंटिन्यू रहेंगी, एल का मीनिंग लोकल सैनिटेशन, एंड डी स्टैंड्स फॉर डोर टू डोर चेकिंग। इन दिस वे दिल्ली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कॉम्बैट विद दिस कोविड 19। ऑपरेशन शील्ड विच इंक्लूड्स ऑल दीज, क्वारंटाइनिंग पीपल इन कंटेनमेंट जोन्स, डोर स्टेप डिलीवरी होगी एसेंशियल्स की। देन ये इन्होंने मास्क भी यहाँ पे कहा है, यू शुड यूज़ मास्क वेन यू गो आउट, बिकॉज अभी हम आगे देखेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड का भी काफ़ी खतरा बढ़ रहा है। देन ये है डब्बा वाला, ये जो डब्बा वाला है ना, इनको लाइफ लाइन माना जाता है मुंबई में। ये ऐसे टिफ़िन के जो होते हैं, टिफ़िन ये बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, इवन होम सोर्सेज भी रहते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड ऑल, और ये सारे डब्बे को ये पहुँचाते हैं ऑफिसेज में फॉर लंच। ये इतने ज़्यादा इनका पंक्चुअलिटी है और इफेक्टिव है, सिक्स सिग्मा अप्रोच, दिए काफ़ी वर्ल्ड
नोन है। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वर्किंग होम, वर्किंग फ्रॉम होम हो गया है, तो ये डिलीवरी फूड का किसको करें? तो दे आर ऑल्सो सफरिंग। लॉकडाउन रॉब्स मुंबई डब्बा वालाज ऑफ लंच। देन दिस इज नेक्स्ट वन, दिस इज पेज नंबर टू, और यहाँ पे पेज नंबर थ्री है। यहाँ बात है आज़ादपुर मंडी की। आज़ादपुर मंडी काफ़ी बड़ी मंडी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर। ये जो फूड एंड वेजिटेबल होता है, ये होता है पेरिशेबल गुड्स, मतलब इनकी शेल्फ लाइफ लो होती है, ये ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। ड्रॉप इन वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम में ड्रॉप हुआ है, अभी मंडी में आ ही नहीं रही हैं चीज़ें। आज़ादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है। इधर एक और टर्म है APMC का। APMC स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, खेती, प्रोड्यूस, खेती से जो प्रोडक्शन हुआ है, मार्केटिंग मतलब उसको मार्केटिंग बाजार में कनेक्ट करना, मार्केट कमिटी। ये जो कमिटी होती है, इसका मतलब होता है कि जो किसान है, और यहाँ पे बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, इन सब का किसान को इनसे बचा के रखना है। इसका पर्पज़ है सेफ गार्ड फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो अगेन दे आर टेकिंग सर्टेन स्टेप्स। देन क्विक सीलिंग हैज़ लेफ्ट रेसिडेंट गैस्पिंग। देन दिस इज पेज नंबर फोर, नॉट टू चार्ज फी ड्यूरिंग कर्ब्स, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ कॉमन मिनिमम रिलीफ प्रोग्राम इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक। सी, जब काफ़ी लोग मिलके काम करते हैं तो हर किसी की सोच अलग होती है, सो वी वर्क ऑन दिस कॉमन मिनिमम, कि इतने सारे चीज़ों पर तो हम कॉमन अपना अग्रीमेंट रखेंगे, दैट इज़ कॉमन मिनिमम। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है तो वो कॉमन मिनिमम पर काम करती हैं। अब बिकॉज ये पेंडेमिक ऐसा है कि इसने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पर्सन को इम्पैक्ट किया है, तो सब लोगों को एक कंबाइंड अप्रोच लानी पड़ेगी, और उसके लिए इनको लाना पड़ेगा कॉमन मिनिमम रिलीफ प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम रिलीफ प्रोग्राम में गवर्नमेंट शुड पब्लिश एंड एग्जीक्यूट अ रोड मैप दैट प्रोवाइड्स फॉरवर्ड गाइडेंस एंड इकोनॉमिक क्लैरिटी एस्पेशली टू दोज एट द मार्जिन्स। तो गवर्नमेंट को आगे आके ये एक गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, एक रिलीफ देना चाहिए कि हम ये सारे मेजर्स लेंगे उनके लिए जो आगे मार्जिन में है। एक रोड मैप की ज़रूरत है फॉरवर्ड गाइडेंस का, गाइडेंस एंड इकोनॉमिक क्लैरिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए टू मिडिल, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की। सो दैट इज़ कॉमन मिनिमम रिलीफ प्रोग्राम। यहाँ कुछ बहुत अच्छे आइडेंटिफिकेशन किए हैं इन्होंने, इट्स अ गुड आर्टिकल। एक है डेली वेज अर्नर्स, लेबरर्स और माइग्रेंट वर्कर्स। ये क्या होते हैं, ये इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं होते हैं और सोशल सिक्योरिटी भी इनके पास नहीं होती है। सो वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक अपहीवल एंड ज्योग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सी, दिल्ली से ये लोग कहाँ चले गए, हिंटरलैंड में अपना डिस्प्लेस हो गए। रॉबस्ट कैश ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी अ कपल ऑफ ईयर्स बैक देखा था, एक चैप्टर था कैश ट्रांसफ़र का हर एक के अकाउंट में, बिकॉज अब अपने पास जैम ट्रिनिटी भी है, तो इसके थ्रू हम इनके अकाउंट में कुछ एक पैसे ट्रांसफ़र दें। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम ज़्यादा अच्छा बनाएं, तो ये काम करना होगा हमें डेली वेज अर्नर्स के लिए। सेकंड, फार्मर्स लेफ्ट इन द लर्च, ये रेथ ऑफ अनसीजनल एंड इनक्लीमेंट वेदर है। हमने देखा था जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं, इसमें हेल्स आए थे और स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, तो जो वीट की खड़ी फसल थी, स्टैंडिंग क्रॉप थी, वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो रेथ ऑफ अनसीजनल एंड इनक्लीमेंट वेदर राबी, तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी। देन वी नीड टू वर्क ऑन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इनका सप्लाई हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं होना चाहिए, मैसिव होर्डिंग हो रही है। ये हिंदी में हमने बहुत अच्छा आर्टिकल देखा था कल इसका, मैसिव होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग का। हिंदी में भी बहुत अच्छे कई बार पॉइंट्स मिल जाते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी, देन डू हैव अ लुक on those article as well, you will get a great insight. Then massive hoarding and black marketing, ये run away inflation अभी ला सकती है। inflation का मतलब क्या होता है, कीमतों में वृद्धि होना। run away inflation मतलब बहुत तेजी से कीमतों में वृद्धि होना। massive panic आएगा इससे, mass panic spread होगा। देन फोर्थ पॉइंट जो है वो है मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस क्लियर स्ट्रेटजी फॉर सर्वाइवल, बिकॉज ये इनके पास रेवेन्यू आना बंद हो गया है, तो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा जॉब लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे सैलरी। देन प्रोटेक्ट करिए मिडिल क्लास को, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, दे नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। अब सजेशंस और गारंटी में मिनिमम इनकम प्रोग्राम हम दे सकते हैं, फाइनेंशियल और अगेन मेंटल हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है। स्ट्रेंथन अवर मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी, यहाँ बहुत अच्छा लाइन लिखा है, लेट अस लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव अक्रूड ओवर द पास्ट 20 डेज एंड गेट अहेड ऑफ द कर्व ऑन दोज
ऑन दीज इश्यूज़। इंडिया हैज़ द एक्सपर्टीज़ एंड द टैलेंट, हमारे पास एक्सपर्टीज़ भी है और हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग भी हैं, टू मेक ऑन इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस चैलेंज, हम इस चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे। ऑल वी नीड नाउ इज़ अ पॉलिटिकल विल, नॉट ओनली पॉलिटिकल विल, हमें एक सोशल रिजॉल्व, सोशल विल पावर की भी ज़रूरत है। वेरी गुड आर्टिकल, यू गेट टाइम, डू रीड दिस आर्टिकल। देन दिस इज़ Without curbs, virus cases can hit lakh, even more than lakh. This is very scary. Then beware of cyber fraud, say police. ये जो article है, this is about plasma therapy. ICMR ने अभी इसका approval किया है, clinical protocol. Exploring all available options. Convalescent plasma therapy is not new. इसमें क्या होता है, जैसे H1N1, SARS और इबोला पहले आउटब्रेक हुए थे, इधर भी ये थेरेपी यूज़ हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जैसे H1N1, SARS और इबोला के जो पेशेंट्स हुए, इन्फेक्ट हुए, वो बाद में ठीक हो गए, तो उनके अंदर सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी आ जाती है, तो उनके ब्लड से, उनके बॉडी से हम दूसरे लोगों को वो ट्रांसफ़र कर दें, तो उनमें भी इम्यूनिटी आ सकती है। सो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है ये प्लाज्मा थेरेपी। सी क्या लिखा है, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इन्वॉल्व ट्रांसफ्यूजिंग, ट्रांसफ्यूजिंग मीन्स ट्रांसफ़र करना सर्टेन कॉम्पोनेंट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, इनमें से कुछ कॉम्पोनेंट को ट्रांसफ़र करना। पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ वायरस अटैक इन टू पीपल हु आर वेरी सिक विद द वायरस और पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग द वायरस। तो इससे क्या होगा, जो रिस्क वाले पीपल हैं उनमें भी सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन डेवलप हो जाएगा। वैक्सीनेशन में भी हम यही क्या करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, इम्यून सिस्टम को हम ट्रेनिंग देते हैं वैक्सीनेशन में। कैसे ट्रेनिंग देते हैं, या तो एक लाइव वायरस जो वीक कर दिया गया है, या फिर एक डेड, इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो बॉडी को एक मैच प्रैक्टिस हो जाती है, वो समझ जाती है कि ऐसे अटैक पे मुझे कैसे डील करना है। तो जब रियल अटैक होता है तो बॉडी उसको डिफेंड कर लेती है, दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। सिमिलर प्रिंसिपल पे जो लोग ठीक हो गए हैं उनका ब्लड का कुछ पार्ट हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, जो इन्फेक्टेड है या इन्फेक्शन की प्रायोरिटी, जिनको रिस्क ज़्यादा है, तो उनकी बॉडी भी इनकी बॉडी से सीख जाएगी ब्लड पार्ट से कि कैसे मुझे इस वायरस से डिफेंड करना है। इसको हम बोलते हैं दिस कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। सी ये COVID-19 का एक पेशेंट था, ये पेशेंट रिकवर हो गया है ना, ग्रीन मतलब रिकवर हो गया, इससे हमने ब्लड विड्रॉ कर लिया, ब्लड वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी सीरम बनाया, और ये प्रोफाइलेक्सिस, ये थेरेपी, प्रोफाइलेक्सिस का मीनिंग देखा था ना हमने, ये प्रिवेंशन के लिए है, प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी, COVID-19 का एक्सपोजर होगा और इनकी बॉडी अब डिफेंड कर लेगी। तो इस तरीके से ये काम करती है। पीपल फाइट द वायरस, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट अटैक इट, those antibodies protein that are secreted by immune cell known as B lymphocytes are found in plasma or the liquid part of blood that help the blood to clot and support immunity. तो ऐसे ही करके हमने antibodies जो बनी थी उसको यहाँ पे हमने देख लिया, this B lymphocytes को, इसको हम अब transfer करेंगे जो patient suffer कर रहे हैं, तो उनके पास भी antibody आ जाएगी और वो भी virus से fight कर लेंगे। this is the whole concept. सो कोरोना वायरस में एंटीबॉडी अटैक द स्पाइक्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द वायरस, आज हिंदी में भी हमने देखा एडिटोरियल में, ये स्पाइक्स बने होते हैं, तो इन स्पाइक्स पे अटैक हो जाता है तो वो एंटर नहीं कर पाएगा वायरस आपके ह्यूमन के सेल्स में, और वायरस को जब तक कोई सेल नहीं मिलेगा, मतलब होस्ट नहीं मिलेगा, तब तक वायरस कुछ ज़्यादा आपका प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, दे कैन नॉट क्रिएट हैवॉक इन योर बॉडी। सो दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग टू प्लान टू फाइट विद दिस COVID-19। देन लेट अस कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। इधर लिखा है इन टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत का समय, एक मेडिसिन है हाइड्रोक्सी एच क्लोरो सी क्वीन, HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन। इस पे गवर्नमेंट ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट पे, बट कुछ दिन बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिवर्स कर दी। गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि ये हमने किया है टू हेल्प ह्यूमैनिटी फाइट अगेंस्ट COVID-19, इसको इस नज़रिए में देखना चाहिए। इंडिया की जो फार्मेसी है ये ग्लोबल साउथ में काफ़ी बड़ी मानी जाती है। ICMR ने अप्रूव किया था दिस प्रोफाइलेक्सिस को फॉर नोवल कोरोना वायरस, मतलब ये मेडिसिन अगर आप ले लोगे तो हो सकता है आप
काफ़ी हद तक कोविड-19 के अटैक से बचे रहेंगे। दिस इज़ प्रोफाइल एक्सेस। ये शेड्यूल H1 में डाल दी गई थी। शेड्यूल H1 में डालने का मतलब है इसको प्रिवेंट कर दिया था सेल्फ मेडिकेशन एंड होल्डिंग से। आप ओवर द काउंटर जाके ये मेडिसिन नहीं ले सकते हैं और आप इसकी जमाखोरी भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया में कैपेसिटी है 200 मिलियन HCQ 200 mg के स्ट्रेंथ की बनाने की। ये हमारी कैपेसिटी है विच इज़ ह्यूज। देन मैन्युफैक्चर्ड फार्मेसी ने कॉन्फिडेंट दिखाया है मैन्युफैक्चरर्स ने कि हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम रैम्प अप भी कर सकते हैं। देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट शॉर्टेजेस। अब इसका जो यूज़ है दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये इसमें भी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है, केमिकल फाइंडिंग्स नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज़ अबाउट इन टाइम ऑफ नीड। अब है विक्ट्री इन डिफीट। विक्ट्री इन डिफीट ये बात है US में अभी चल रही है प्राइमरी। US में ऐसा होता है कि दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिकन पार्टी तो अभी पावर में है, डोनाल्ड ट्रंप है, 2016 से 2020 तक प्रेसिडेंट है। अब 2020 टू 2024 तक नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है, तो ही वुड बिकम द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। नाउ देर इज अनादर गाय फॉर दिस पार्टी डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में दो पार्टी में दो में कॉम्पिटिशन चल रहा था। यहाँ पे भी इंटरनल चलता है इनका कि किसको हमें बनाना है अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो इसमें बर्नी सैंडर ने पुल आउट कर दिया है बिकॉज उनको डिफीट का ऐसा लग रहा था। तो जो बिडेन जो ओबामा जी के टाइम पे क्या थे, बराक ओबामा के टाइम पे ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट, ये अब बन सकते हैं दिस डेमोक्रेट के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। एंड देन ही विल फाइट विद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एंड देन President of USA would be decided. So this is victory in defeat because this Bernie Sanders is known for his socialistic policies. Then a time for extraordinary action. Again this is some kind of analysis, काफ़ी detailed theories दिया है इन्होंने कि unprecedented scale of state investment is required to lift the Indian economy. We read one article here. This was a very good article. That is why we are not repeating this article over here. Then this is a double whammy for Indian Gulf economic ties. Gulf country, tell me the difference between Gulf kya hota hai and bay kya hota hai. We read it in geography, geography NCERT. Gulf and bay, what is the difference? Hamare yahan bay of Bengal bhi hai, gulf of Khambat bhi hai, this is again a gulf, what is the difference? So here it is written, it's going to be a challenge to manage the impact of the COVID-19 pandemic as well as the oil stock. तो यहाँ जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये प्राइमरली डिपेंडेंट होती हैं ऑयल में, ऑयल प्रोडक्शन में, और कोविड-19 का अटैक भी आ गया है तो ऑयल का डिमांड फॉल हो गया है, तो इनके रेवेन्यूज़ आने बंद हो गए हैं। अगर इनके रेवेन्यू आने बंद होंगे तो ये क्या करेंगे, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोलैप्स होगी और उससे इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा। इपी सेंटर ऑफ परफेक्ट स्टॉर्म कोविड-19 पेंडेमिक, ऑयल प्राइस मेल्ट डाउन चल रहा है। ये डबल जियोपॉडी है, ऑयल प्राइसेस इन अ टेल स्पिन, टेल स्पिन मतलब फॉल हो रही है बहुत ज़्यादा। सी दीज आर गल्फ कंट्रीज जो अरब की मानी जाती हैं, ओमान, यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत एंड दिस इराक। नो दिस कतर, कतर इज एन आइलैंड। सी कतर, दिस इज एन आइलैंड। सो कतर दिस एंड दिस बहरीन इज आइलैंड, बहरीन इज आइलैंड। सो दिस इज कतर, दिस इज बहरीन, यूएई, ओमान, सऊदी एंड इराक। अब यहाँ पे इन्होंने ऑल दो एट गल्फ कंट्रीज लिखा है यहाँ पे, ऑयल प्राइसेस इन अ टेल स्पिन, लॉकडाउन है, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नो डिमांड फॉर ऑयल है। ओपेक प्लस में क्या होता है, और कंट्रीज ऐड हो जाती हैं, रशिया, नो अग्रीमेंट टू कट द प्रोडक्शन, वॉन्ट टू कैप्चर हायर शेयर इन द कोलैप्सिंग मार्केट, कॉम्प्रोमाइज इज इन द वर्क। सी जो ऑयल का मेजर जो लीडर है वो है आपका सऊदी, एंड रशिया के पास भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ऑयल की, और एक मैन्युफैक्चरर अभी रिसेंटली उभर के आया है, दैट इज़ शेल गैस का, यूएसए। यूएसए जो शेल गैस बनाता है ये बनाता है फ्रैक्चरिंग टेक्निक से, ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। तो यूएसए को फ़ायदा तब होता है जब डॉलर बैरल प्राइस अराउंड $50 के आसपास है, तब यूएस को बेनिफिट होगा। अगर इससे कम प्राइस चली जाती है तो यूएसए को बहुत लॉस होता है बिकॉज उसकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पाती है। जबकि जो सऊदी है ये ट्रेडिशनल मेथड से ऑयल प्रोडक्शन करता है, तो अगर डॉलर 26 तक भी आ गई, 30 तक भी आ गई, तो सऊदी को इतना लॉस नहीं होगा जितना यूएसए का होगा। तो ये एक टैक्टिक्स होती है मार्केटिंग की टू कैप्चर द मार्केट। तो सऊदी कैन अफोर्ड लोअर प्राइस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दे वॉन्ट टू कैप्चर हायर शेयर इन द कोलैप्सिंग मार्केट। सो दैट इज़ वाई वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं कर रहे हैं, रशिया भी प्रोडक्शन कम नहीं कर रहा है। द जनरल आउटलुक रिमेन्स ब्लीक, इकोनॉमिक आउटलुक डिटीरियोरेट हो रहा है, सऊदी अरेबिया का फिस्कल डेफिसिट 8% हो गया है, इकोनॉमिक सिम्बायोसिस है हमारा इंडिया और सऊदी का, अगर सऊदी सिम्बायोसिस मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी रहती है,
हम डॉलर 162 बिलियन का ट्रेड किया है हमने सऊदी से, क्रूड और नेचुरल गैस डोमिनेट करती है इसमें। रेमिटांस भी हमारा अराउंड 40 बिलियन यहाँ से आता है गल्फ से। रेमिटांस का मतलब जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं और वो घर पे पैसा भेज रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेमिटांस। इंडिया को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटांस मिलता है। यहाँ लिखा है द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द गल्फ हैज़ इंडीड डिटीरियोरेट हुआ है, विद सऊदी का 8% फिस्कल डेफिसिट हो गया है। इफ़ इट लिम्प्स बैक टू ग्रोथ इन 2021 द प्रोसेस मे बी स्लो एंड लेस एनर्जी इंटेंसिव नेशनल रिलायंस ऑन स्ट्रेटेजिक गुड्स। तो ये फार्माक्यूटिकल मे डिटर देयर ट्रेड, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये दुबई की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, ये भी डिटर हो जाएगा। तो ये काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे इंडिया गल्फ इकोनॉमिक टाइज में। सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सॉल्यूशन ये करें कि हम डाइवर्सिफाई करें। सी, जो ऑयल होता है ना, यहाँ लिखा है कि वो साइक्लिक कमोडिटी है। ऑयल की प्राइस कभी हाई होती है और कभी लो होती है। तो अगर ये ज़्यादा टाइम तक लो रहेगी तो सऊदी कंट्रीज़ क्या करेंगी, गल्फ कंट्रीज़ क्या करेंगी, ये ट्रांसफ़र कर देंगी बर्डन टू दीज एक्सपैट्रिएट जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं, नो रिक्रूटमेंट सैलरी एट्सेट्रा, और उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा। वापस इंडिया आएंगे तो पैंडमिक वर्स होगा और ये हमारे लिए लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो जाएगा। सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई अवर रिलेशंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्किलिंग एट्सेट्रा। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। देन यहाँ ओपेड 7 में लिखा है कोविड-19 अफेक्ट करेगा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड पूरा एक बनता जा रहा है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम ढूंढ रहे हैं बिकॉज कंट्री में लॉकडाउन हो रहा है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना। कंट्री में बाहर से बुला रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट। कंट्री से बाहर जा रहा है, दैट इज़ एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ रहा है। रीजन्स और कंट्रीज़ हैं यहाँ लॉकडाउन हो गया है, ग्लोबल इंटीग्रेशन सफ़र कर रहा है। ये 2008-09 में जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था वैसे ही कुछ पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। एशिया पैसिफिक काफ़ी हिट हो सकता है बिकॉज हम डिपेंड करते हैं टूरिज्म पे, और टूरिज्म वर्स्ट अफेक्टेड होता है इन सच टाइप ऑफ हेल्थ केयर क्राइसिस। सो ग्लोबलाइजेशन ऑलरेडी रिट्रीट हो रहा था, डीग्लोबलाइज हो रहा था। यहाँ एक टर्म लिखा है स्लोबेल्यूलेशन, मतलब कम हो रहा है हमारा ग्लोबलाइजेशन, ये और स्पीड अप हो गया है, मतलब और तेज़ी से अब हम रिट्रीट होने लग गए। चाइना भी ऐसा नहीं है, चाइना सफ़र नहीं कर रहा है। चाइना के आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल इन इकोनॉमिस्ट की जो बेल्ट एंड रोड इश्यूज़ हैं, इसके बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव्स हैं, ये भी सारे हॉल्ट होते जा रहे हैं। तो इससे चाइनीज़ इकोनॉमी भी मैसिवली सफ़र करेगी। लेबर मूवमेंट है अफेक्टेड है, सोशल फैब्रिक ये ऑल्टर हो रहा है, WTO पे सवाल उठ रहे हैं, रीथिंक हो रहा है मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल पैक्स का। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू इज़, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है तो बेल्ट कहाँ पर है और रोड कहाँ पर है? एक चीज़ लैंड पे है और एक चीज़ सी पे है, तो बेल्ट कहाँ पर है और रोड कहाँ पर है? देन दिस इज़ ओपेड में 7 है, यहाँ पे स्केप गोट की बात किया है सब। अब ब्लेम जो कर रही है कंट्रीज, बिकॉज कंट्रीज डिडन एक्ट इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ यूरोप, वी वर फॉलोइंग न्यूज, दे वर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, दे वर नॉट फॉलोइंग एनी प्रोटोकॉल, दे वर वेरी मच रिलायंट ऑन देयर ग्रेट हेल्थ केयर सिस्टम। बट सी, द मोमेंट कोविड-19 अटैक, इनका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेलम हो गया। इटली, UK, फ्रांस, USA, दे आर ग्रेट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ केयर सिस्टम, सी दैट इज कोलैप्सिंग। तो ये स्केप गोट ढूंढ रहे हैं इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ब्लेमिंग ग्लोबल हेल्थ बॉडीज फॉर द फेलियर ऑफ देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। देन दिस इज़ फ्लैग्ड लॉकडाउन इम्पैक्ट, ये बताया है कि लॉकडाउन से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। MSME को ह्यूज पैकेज की ज़रूरत है। यहाँ जो हमारे एडमिरल करमबीर सिंह हैं नेवी चीफ, इन्होंने बोला है कि नेवी चीफ एडवाइसेस फोर्सेस टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। ये बहुत अच्छी लाइन है, इफ़ द केयर गिवर्स बिकम केयर सीकर तो क्या होगा? जो लोगों की मदद करने के लिए बने हैं उन्हीं को मदद की ज़रूरत पड़ने लग जाएगी। सो दैट इज़ वाई सिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए। कॉन्क्रीट मेजर्स नीडेड टू प्रिपेयर फॉर द डेडली वायरस। देन दिस इज़ अगेन पेज नंबर 9, वायरस सर्जेज इन महाराष्ट्र। देन यहाँ पर है स्टडी पॉइंट टू कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का सिंपली ये मीनिंग है कि कम्युनिटी में ऐसे वायरस ट्रांसफ़र हो रहा है कि लोगों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लोग किसी के इन्फेक्शन नोन कॉन्टैक्ट में नहीं आए एंड दे कॉट दिस इन्फेक्शन। ये स्टेज बहुत डेडली होती है और इसमें केसेस बहुत तेज़ी से स्पाइक होते हैं। तो अभी कुछ हमें ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है इन सर्टेन एरियाज़। नाउ हियर
प्राइम मिनिस्टर विल टेक अ कॉल ऑन लॉकडाउन। मील वाइल लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इन्होंने लॉकडाउन पंजाब में शायद 1 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। अभी कपल ऑफ मिनट बिफोर आई रेड दिस। देन दिस इज़ BEL एम्स डेवलप रिमोट मॉनिटर। सी ये जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, मेडिकल है, ये कॉन्टैक्ट में आते हैं और ये इनकी लाइफ भी रिस्क हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है ये रिमोट मॉनिटर बनाने का। इससे क्या होगा, रिमोट पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग होगी, इससे जो स्पेयर हो जाएगी हेल्थ वर्कर और रिस्क ऑफ एक्सपोजर। इंक्रीजिंग डिमांड, जो PPE था हमने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो हमने देखा था, उसका भी डिमांड कम हो जाएगा। मोबाइल और वेब से हम शो सिम्टम्स एंड क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि एक इंटरनेट डेटा वहाँ पे सब सेव है। इट इज़ नॉट लाइक क्लाउड, क्लाउड में इंटरनेट पे डेटा सेव है विच यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। जहाँ इंटरनेट है अवेलेबल वहाँ से आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। देन ये बात है गमोसा, ये है, ये जो होता है ये गैमोसा होता है, ये जो गैमोसा होता है ये डिज़ाइन दीज मास्क फ्रॉम गैमोसास। ये हमारा असम में इस्तेमाल करते हैं इसे। यूबिक्यूटस होता है, यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव कॉटन टॉवेल होता है ये। इसको अब इन्होंने रीपर्पज कर लिया है एज अ प्रोटेक्टिव गेयर टू फाइट द कोरोना वायरस। देन दिस इज वर्ल्ड सेक्शन, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था। इकोनॉमी, आई लाइक इकोनॉमी अलॉट। अभी हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं NCERT की, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियोस। उसमें हम बहुत अच्छे से देखेंगे इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो एवरीथिंग, यू वुड लव इट। सो दिस इज वर्ल्ड एंटिसिपेट्स ग्रेट डिप्रेशन। 1930s में ये स्टार्ट हो गया था। बोरिस जॉनसन मीनवाइल है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ये हेल्थ इनका अभी इम्प्रूव हो रहा है, बट ये भी अभी ICU में चले गए से। दिस टेल्स की हाउ सीरियस दिस थ्रेट इज़। देन यहाँ पे बात है ऑयल प्रोड्यूसर्स पुट हेड्स टुगेदर ओवर आउटपुट कट। अगेन दिस इज़ द ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। 14 नेशंस है। 1960 बगदाद में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चंस, ऑस्ट्रिया वियना, मेंबर्स हैं ये सारे। सो अभी ये क्या कर रहे हैं, डिमांड ऑयल की है नहीं, आउटपुट बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं डिमांड कम है, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस क्रैश होगा। ओपेक में रशिया ट्राइंग टू रीच अ फेयर डील और ये कट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्शन को। हाफ अ बिलियन पीपल फेस पॉवर्टी ड्यू टू वायरस, दिस इज नॉट राइट। ये ऑक्सफॉर्म एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है। देन ये बर्नी सैंडर्स का रिवॉल्यूशन। देन यहाँ पे इन्फ्लेशन में ड्रॉप टू 2.4% इन फाइनेंशियल ईयर 21। इन्फ्लेशन मींस क्या होता है, आज 100 रुपये है, कल 110 रुपये हो गई, तो ये 10% का इन्फ्लेशन हो गया। अगर ये कम हो गया तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन रेट जो होती है ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको भी हम अगेन डिटेल में देखेंगे। अभी CPI बेस्ड इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफन हो गया है। टेल मी, जो हमारा हेड इन्फ्लेशन जो होता है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, WPI और दिस CPI। देन दिस इज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज मोस्ट इन 2 ईयर्स। फिस्कल स्टिमुलस की ज़रूरत है इंडस्ट्री को, इक्विटीज़ को भी। देन LPG इम्पोर्ट हमारा डबल हो गया है बिकॉज डिमांड राइज हो गई है। देन दीज आर क्रेडिबल न्यूज़। सो दिस इज़ टूडेज न्यूज़पेपर। आज हमने देखा इन्फ्लेशन में ड्रॉप टू 2.4%, CPI सॉफन हो रही है। ये ऑयल प्रोड्यूसर्स पुट हेड टुगेदर, दिस इज़ ओपेक। और यहाँ हमने ग्रेट डिप्रेशन 1930 का अभी कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें। देन दिस इज कॉल्ड गैमोसा, नो अबाउट दिस, दिस इज गैमोसा, ये असम में यूज़ करते हैं। देन ये एक रिमोट मॉनिटर बनाया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मीनिंग हमें पता है। नेवी के चीफ ने कहा था, दिस इज गुड लाइन, इफ द केयर गिवर्स बिकम केयर सीकर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन दिस इज स्केप गोट इन WHO एंड दिस वॉज अबाउट विल COVID-19 अफेक्ट द कोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये हमने देखा दिस गल्फ इकोनॉमिक टाइज, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस, विक्ट्री इन डिफीट। देन इन द टाइम ऑफ नीड HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, HCQ, ये क्या है, प्रोफाइलेक्सिस। देन दिस इज कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, ब्लड का हम जो सही हो गए हैं, ट्रीटेड हो गए हैं, उससे हम उनको देंगे जो अफेक्टेड हो सकते हैं, ताकि इनकी जो एंटीबॉडीज बनी है वो इनको भी हेल्प कर दें। दिस इज कॉल्ड प्रॉमिसिंग, ट्रीटमेंट का भी ट्रायल है। देन प्लाज्मा थेरेपी, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। कॉमन मिनिमम रिलीफ प्रोग्राम इन टाइम्स ऑफ पैंडमिक। देन दिस इज़ आज़ादपुर मंडी, ये डब्बा वाला है। एंड दिस इज़ ऑपरेशन शील्ड, दिस इज़ ऑपरेशन शील्ड, यहाँ एवरी इंच मैटर। 15,000 करोड़ सैंक्शन हुए हैं।
एक्सटेंड हो रहा है ये, एंड दिस इज आईसीएमआर ने कहा है नो सिग्निफिकेंट रेट्स ऑफ इंक्रीज इन कोविड-19, एंड दिस इज 10th ऑफ अप्रैल 2020. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड बी सेफ.